अगेंस्ट ऑर्डर डेटेड मलोर 5/11/2022 सूट में फाइल फॉर द रिकवरी ऑफ द बोन्स आज क्या रहा जी आज क्या रहा हां एंड पी फाइल एन एक्शन पी फाइल पेज नंबर 36 क्या खारिज हो गया बोर्ड ऑनलाइन थिंकिंग हैज बीन टू माय आई के से विद एक्सपर्ट मलोर Suit was filed for the recovery of the amount. I was defending in that. Now, during the pendency of the suit at the stage of evidence, I was ex parte. I was considered ex parte. The reason I was with another one that the ex parte judgment and decree was passed against me. When ex parte decree was passed, that was passed on 24/8/2015. 24/8/2015. कितना 2,16,000 अच्छा व्हेन शुड वाज फाइल सूट वाज फाइल मालूम हम बता दें सूट वो 30/9/2013 को पेश किया था सूट 30/9/2013 जी अच्छा आप पे जो है अच्छा ये एक्सपायरी डिग्री पास हो गई उसके बाद आई फाइल एप्लीकेशन इन एजुकेशन प्रोसीडिंग्स हमको नोटिस मिला आई फाइल 9/13 कल लगाई 9/13 लगाई 1/5/2017 को यस 1/5/2017 को जी एविडेंस रिकॉर्ड हुई होगी नहीं हूँ कोर्पोरेट को डिस्मिस कर दिया आई साइड वाले उसको पाई हो पर मैं विजिल कर दूँ मैं पढ़ूंगा ना अभी जितनी का सुन लूँ तो लो मैं पढ़ने से मना नहीं करता मैं तो खुद पढ़ूंगा थोड़े से बेसिक फैक्ट्स तो दे दो तो मैंने 9/13 आपने फाइल कर दी जी 9/13 में दवाई दे दी 9/13 में पहले फिर दवाई दे दी जी हुई या नहीं हुई जी जी तो खारिज क्यों हो गई ये तो बता दो खारिज भी मैंने दे दिया कि इनको मालूम था कि केस पेंडिंग है 9/13 में गवाही दी 9/13 में गवाही कर ली आपने फिर क्या तैयारी करी सुबह में कैसे पेश कर दी देना पड़ेगा अपनी गवाही को इसमें डीओ सेक्शन 5 का लिमिटेशन ब्लॉक है सेक्शन 9 पे गवाही दी गवाही दी आपका कॉन्फिडेंस रेल बता रहा है कि आपने ये सब देखा ही नहीं है फिर मैं एक ही रूप पा देता हूँ और मुझे पढ़ना बड़ा बेकार लगता है यहाँ बकरी खड़ा हुआ है पढ़ने का काम तो हम घर पे करके आए आपकी सुनने सुने कि नहीं सुने क्योंकि पहली क्लास थोड़ी है कि बच्चे को खड़ा कर दिया खड़ो तो पढ़े जा रहे हैं डायरी को पूरा अरे भाई क्यों पढ़ रहे हो व्हाट इज योर प्रपोजिशन व्हाट इज योर आर्गुमेंट कुछ तो बताओ भाई नाइन आर्गुमेंट माय आर्गुमेंट इज दिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस एक्सपायरी ऑर्डर मेरा प्रश्न ये है वेदर इन 9/13 यू लेड एनी एविडेंस और नॉट बट दैट इज नॉट बीन तो आपको मालूम नहीं है उसके ऑर्डर में तो नहीं आया ऑर्डर में नहीं आया मतलब जो ऑर्डर में आएगा तो उतने ही पढ़ेंगे आप अपने क्लाइंट से नहीं पूछेंगे या निचली वाली अदालत से फाइल के वकील से फाइल नहीं मांगेंगे मतलब ऑर्डर में जितना आया उतना ही देखना है आपको अरे एक बार ऑर्डर देख ले वॉलेट से मैं नहीं देख रहा ऑर्डर मैं आपको देख रहा हूँ आपकी बहस सुन रहा हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम जो रहती है आपको सुनते नहीं है हम सुनने को तैयार है आप सुनाइए मैं पढ़ाइए पढ़िए मत हाईकोर्ट है इसके अंदर कोई दावा गवाह दावा नहीं पढ़ा जाता ये ऑर्डर नहीं पढ़ा जाता पहले आप बताइए तो आपको आठ हफ्ते बाद रख रहा हूँ उसको ड्राफ्ट तो मारा कर दूंगा नहीं क्राइटेरिया से करो भाई आप हाईकोर्ट में खड़े हो आप जो आपको ये नहीं पता यू हैव एड्यूस एविडेंस और नॉट और जब आपने एविडेंस नहीं ये अपने आप में एक ग्राउंड हो जाएगा आपकी दैट इज ट्रू नहीं नहीं है दैट इज ट्रू आपको पता ही नहीं है आपने ग्राउंड ही नहीं किया पुलिस ने कि
क्या आप ट्रायल कोर्ट ने 9-13 में एविडेंस लिया नहीं, यदि नहीं लिया तो दैट इज वन ऑफ द ग्राउंड, दैट इज द वन ऑफ द ग्राउंड फॉर अलाइंग दिस पिटीशन। अब आपने ग्राउंड नहीं दिया, आपको पता ही नहीं कौन से ग्राउंड होते हैं अलाइंग, कौन से खारिज के होते हैं। कानून पढ़ो अच्छे से, 9-13 की जो प्रोविजन है उसी में लिखा हुआ है कि एविडेंस होगी आपकी। अब एविडेंस आपकी वजह से नहीं हुई या कोर्ट ने नहीं ली, ये आपको रिकॉर्ड मंगा के देखना पड़ेगा। देखिए सीरियल नंबर 48 है।